वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजोनिक्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन से रिलेटेड, उससे कुछ जो उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं जिनसे जिनका यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो फार्मूला। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फार्मूला होता है? 3n माइनस के, ठीक है, जहाँ पे के क्या होता है? होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स, ओके। एंड n क्या होता है? नॉट ऑलवेज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रेदर देन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। उसके लिए हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल लिया, ये उसके एक्सिस हो गए, और उसमें एक पॉइंट मासेस M2 और M1 ले लिया। M1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए X1, Y1, Z1, M2 के हो गए X2, Y2, Z2। इन दोनों के बीच की लेंथ हो गई L। तो अगर हम इसके कंस्ट्रेंट्स को देखें, ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे? Z1 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, फॉर M1, एंड Z2 इक्वल टू ज़ीरो फॉर M2, क्योंकि ये मूव किस में कर सकते हैं? X1, Y1 में और X2, Y2 में, ठीक है। Z1 और Z2 तो कंस्ट्रेंट है, मतलब कि उधर मूव नहीं कर सकता ये दोनों मासेस। तो Z1 इक्वल टू ज़ीरो हो गया और Z2 इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब M1 किस में कंस्ट्रेंट है? अपने एक सर्कल में कंस्ट्रेंट है। उस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? X1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी होगी? सर्कल की। अब जो M2 और M1 में जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है? लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया? X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 4 कंस्ट्रेंट हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 3 इंटू 2 माइनस 4। तो ये जो 2 आया है, तो यहाँ पे जो 2 है, ये यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? एन क्या है? नॉट ऑलवेज द नंबर ऑफ पार्टिकल रेदर देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, दो पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को लेना पड़ा हमें, ठीक है, क्योंकि ये मास की तरह नहीं, क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 3 इंटू 2 माइनस 4, 4 कंस्ट्रेंट थे हमारे, और इसी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया? 2 आया, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट इफ इट कैन स्पेसिफाई मोशन ऑफ अ सिस्टम इंडिपेंडेंटली एंड यूनिकली, ठीक है। भाई मोशन तो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, तो जनरलाइज वेलोसिटी भी निकल के आ जाती है, डी क्यू बाई डी टी जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और ये जनरलाइज वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। नाउ जो लैग्रेंजियन है L क्या होता है? Q Q डॉट एन टी इक्वल टू किसके होता है? T माइनस V। T यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तो हमारे पास लैग्रेंजियन हो गया। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? d ओवर dt, टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसी, अगर हमें लैग्रेंजियन पता है और हमें मोमेंटम जनरलाइज्ड
मोमेंटम पता करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, पी आई इक्वल टू डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट आई, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट में होता है अगर लैग्रेंजियन है वो एक्सप्लेटिस फंक्शन नहीं है किसी भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, ठीक है। कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यों क्यों के है वो अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि कोई एल लैग्रेंजियन है वो क्यू के का फंक्शन नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो आ रहा है तो क्यू के हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक हो गया, ये भी बहुत बार आता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट पता करने का। हमें कोई लैग्रेंजियन दे देगा किसी भी फॉर्म में, क्यू एक्स क्यू वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें पूछेगा कि कौन सा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, क्यू एक्स या क्यू वाई, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव हमारा जीरो आ जाएगा वही साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हैमिल्टोनियन अगर हमें पता करना है तो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू क्या होता है, एच फंक्शन होता है क्यू पी और टी का, ठीक है। इसको अगर हम निकालना है, अगर हमें लैग्रेंजियन पता है तो क्यू डॉट इंटू पी माइनस एल, और एल हमारा किसका फंक्शन था, क्यू क्यू डॉट टी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया, अगर हमें लैग्रेंजियन पता है तो हम इस तरीके से उसको हैमिल्टोनियन में चेंज कर सकते हैं। तो देखो हमें पता क्या होता है, लैग्रेंजियन पता होता है, और लैग्रेंजियन किसका फंक्शन होता है, क्यू क्यू डॉट और टी का, मतलब कि लैग्रेंजियन इन तीन टर्म से डिफाइन हुआ होगा, ठीक है। और हमारे हमें पता है डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट इक्वल टू पी होता है, ठीक है, ये हमें पता है। और हमें चेंज किस में करना है, हैमिल्टोनियन में, हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, क्यू पी और टी का। तो हमें कौन सी चीज़ गायब करनी है, हमें हटाना कि किसको है, क्यू डॉट को, ठीक है। तो इस पी का यूज़ करके कुछ क्यू डॉट में इक्वेजन आ जाएगी, फंक्शन ऑफ क्यू डॉट आएगा, ठीक है। उस क्यू डॉट को इक्वल टू रख के हम पी के टर्म में कुछ कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी, वो वैल्यूज़ उठा के हम इस इक्वेजन में रख देंगे और हैमिल्टोनियन पता लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं वो क्या है, हैमिल्टोनियन पता है तो डेल एच ओवर डेल क्यू इक्वल टू माइनस का पी डॉट, ठीक है, ये एक हो गया। डेल एच ओवर डेल टी इक्वल टू होता है माइनस डेल एल ओवर डेल टी, ये एक इक्वेशन होगी। डेल एच ओवर डेल पी इक्वल टू होता है क्यू डॉट, ये एक हो गया हमारे पास, ठीक है। और मेजर जो होता है एच इक्वल टू टी प्लस वी होता है, ठीक है। तो ये तीन जो हैं, ये दो जो हैं, ये अगर हमें हैमिल्टोनियन पता है और पूछा है इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है तो हम ये दो का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और होता है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास एन है सपोज, तो हमारे पास टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होंगी, टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास हो जाएगा 2n+1। सपोज अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, 2 × 2+1 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब और क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोई फंक्शन एफ है उसका अगर हम पॉइजन ब्रैकेट निकाल लें तो फिर इक्वल टू क्या होगा,
सिग्मा ऑफ डेल ऑफ डेल क्यू इंटू डेल एच ओवर डेल पी माइनस डेल एफ ओवर डेल पी डेल एच ओवर डेल क्यू। ठीक है, अगर ज़्यादा है आई टर्म है तो आई लग जाएगा सब में सिग्मा। ठीक है, मतलब एक्स वाई और जेड के टर्म्स हैं तो हम डेल डेल एफ ओवर डेल एक्स इन सबको ऐड करते जाएंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई इन सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। सपोज कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है और पूछा जाए दिस फंक्शन इज कांस्टेंट और नॉट। ठीक है, और आपके पास उस पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन भी दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, तो डी एफ बाई डी टी ये किसके बराबर करेंगे हम, प्लस डेल एफ ओवर डेल टी। ठीक है, अब अगर ये डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू जीरो आता है तब हम बोलेंगे दिस एफ फंक्शन इज कांस्टेंट, अदरवाइज ये एफ फंक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। डायरेक्ट अगर हम डेल एफ ओवर डेल टी निकाल दिया और ये अगर जीरो है तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, डी एफ ओवर डी टी आना चाहिए जीरो, तब हम बोलेंगे कि दिस एफ फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, इससे नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले ये फॉर्मूला यूज करना होगा तब हम बोल सकते हैं अगर जीरो आ रहा है कि फंक्शन एफ इज कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला, सेकंड लास्ट कैनोनिकल। कैनोनिकल अगर हमें देखना है, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्मूला क्यू पी में इक्वल टू वन। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, डेल क्यू ओवर डेल क्यू माइनस डेल पी ओवर डेल पी माइनस डेल क्यू ओवर डेल पी ओवर डेल क्यू इक्वल टू वन। ठीक है, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू वन आ रहा है तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जनरेटिंग फंक्शन के लिए चार जनरेटिंग फंक्शन है हमारे पास, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर। ठीक है, तो एफ वन के लिए क्यू क्यू टी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू टी। ठीक है, एफ टू के लिए क्या होता है, स्मॉल क्यू कैपिटल पी टी, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, दो एफ टू ओवर डेल क्यू इक्वल टू स्मॉल पी डेल एफ टू इक्वल अपॉन डेल पी इक्वल टू कैपिटल क्यू। ठीक है, एफ थ्री में फंक्शन किसके है, स्मॉल पी कैपिटल क्यू टी इक्वल टू डेल एफ थ्री ओवर डेल पी इक्वल टू माइनस क्यू एफ थ्री डेल क्यू इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, एफ फोर किसका फंक्शन है, स्मॉल पी कैपिटल पी टी एफ फोर डेल पी इक्वल टू माइनस क्यू एल एफ फोर ओवर डेल पी इक्वल टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो एफ वन में माइनस का पी आता है, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ये दोनों नेगेटिव रहते हैं, और एफ फोर में माइनस क्यू होता है। ठीक है, तो ये जनरेटिव फंक्शन है, इनका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, आगे हम पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।